खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर इस समय बरसात व गर्मी के चलते जंगली जंतुओं का कहर लगातार सामने आ रहा है। ऐसा ही मामला श्रावस्ती जनपद के कैसबापुर गोपालपुर से सामने आया, जहां पर 18 वर्षीय युवती ममता पुत्री राम अवतार को सर्प ने डस लिया, जिसके बाद उसे इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका दवा उपचार शुरू किया। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कैसबापुर गोपालपुर से है, जहां की निवासी 18 वर्षीय ममता पुत्री राम अवतार को सर्प ने डस लिया, जिसके बाद परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो परिजनों से लेकर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने युवती का उपचार किया। इस समय जहरीले जीव जंतुओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो बरसात, ऊपर से गर्मी के चलते इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सावधानी ही बचाव है, अंधेरे में बाहर न निकलें, घर के आसपास साफ सफाई रखें। जितनी ही सावधानी बरतेंगे उतना ही बचाव हो सकेगा, और अगर फिर भी अगर किसी को जहरीले सर्प बिच्छू काट ही भी लेते हैं, डस लेते हैं, तो उन्हें तत्काल नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया जाए। झाड़ फूंक के चक्कर में समय न बर्बाद करें, जिससे पीड़ित की जान बच सके। इकोना इलाके के कैसबापुर गोपालपुर गांव की यह घटना, जहां के निवासी 18 वर्षीय ममता को सर्प ने डसा, उसके बाद उसे इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया।